क्या जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट में इस बार होगा उलटफेर? क्या विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता को भगवा प्रेम की चुकानी होगी कीमत? क्या बीजेपी की होगी वापसी या निर्दलीय बिगाड़ेंगे समीकरण? झारखंड में अगले साल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस और राजद ने मिलकर यहां गठबंधन की सरकार चलाई है। पिछली बार भाजपा का सूबे में सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन कोल्हान की अगर हम बात करें तो भाजपा के खाते में यहां से एक भी सीट नहीं आई। यहां हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की, जहां से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक चुने गए और उन्होंने भाजपा के देवेंद्र सिंह को बुरी तरह से पराजित किया था। मगर इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट पर मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए चुनावी फतह आसान नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार सियासी बयार है, जो बीच बीच में बन्ना गुप्ता के भगवा प्रेम की वजह से जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जनता को दुविधा में डाल रही है। बता दें कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में शामिल है, मगर कांग्रेसी यदि ऐसा करते हैं तो उसे जनता ढोंग के रूप में देखती है। इसका उदाहरण हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश में देखा गया, जहां कमलनाथ के भगवा प्रेम को जनता ने सीधे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री स्वर्णरेखा महोत्सव के नाम पर गंगा आरती के तर्ज पर स्वर्णरेखा आरती करवाते हैं, जो जमशेदपुर पश्चिम की जनता को खटकने लगा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात, रामनवमी में अखाड़ों में हिंदूवादी नेताओं के साथ मंच साझा करना, हिंदुत्व के मुद्दों पर अपनी बेबाक राय देना जमशेदपुर पश्चिम की जनता को खटकने लग गया। बीच बीच में यह भी सुना जाता है कि बन्ना गुप्ता बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट में अल्पसंख्यक समुदाय चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं। यहां अल्पसंख्यकों का वोट थोक में है, एक तरफा कांग्रेस को मिलता रहा है। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर बन्ना गुप्ता दो दो बार चुनावी फतह कर मंत्री बन चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से ही उनके बीजेपी में जाने की चर्चा थी। सरयू राय प्रकरण की वजह से बन्ना गुप्ता की एंट्री नहीं हो सकी थी। बीजेपी ने यहां देवेंद्र सिंह को अंतिम समय में टिकट दिया और वे बुरी तरह से पराजित हुए। वैसे इस सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की जीत होती रही है, मगर इस बार भी बीजेपी के लिए यहां से जीत पाना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा इस पर अभी संशय बना हुआ है। मतलब साफ है कि बीजेपी इस बार भी यहां बोरो खिलाड़ियों के आसरे ही चुनावी बैतरनी पार करने वाली है। यहां के लिए दो दो ब्यूरोक्रेट्स जो अब भाजपा में शामिल हुए हैं, वे कसरत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस विजय कुमार सिंह और पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह इन दिनों जमशेदपुर पश्चिम सीट में पसीना बहाते देखे जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि ईटागढ़ के पूर्व बाहुबली विधायक अरविंद सिंह भी बीजेपी में एंट्री मारने वाले हैं। खबर ये भी है कि अरविंद सिंह भी जमशेदपुर पश्चिम के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी यहां किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। इन सब के बीच निर्दलीय भी इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस बार कई निर्दलीय जमशेदपुर पश्चिम से किस्मत आजमाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर कहें तो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।